है अभी दरभंगा में मौजूद है और दरभंगा के फूड पैकेजिंग जो केंद्र है वहाँ पे मौजूद है और यहाँ से हम आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं कि आखिर में बाढ़ पीड़ितों के लिए जो बाढ़ राहत सामग्री है वो किस तरह तैयार किया जा रहा है, किन किन वस्तुओं को पैकिंग किया जा रहा है। हम इस वक्त बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं और जो जो पैकिंग करते हैं उनका भी इंटरव्यू सुनाएंगे कि आखिर में कौन कौन सी वस्तुओं को पैकिंग किया जा रहा है, कितने ग्राम का पैकिंग किया जा रहा है, क्योंकि दरभंगा प्रशासन के द्वारा युद्ध स्तर पर यहाँ पे कार्य किया जा रहा है, बचाव राहत का कार्य किया जा रहा है और बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुँचाया जा रहा है। तो इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देंगे तमाम बाढ़ पीड़ितों से। विनती है कि धैर्य से रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि दरभंगा प्रशासन युद्ध स्तर पर आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। खासकर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे फूड पैकेजिंग कैंप पे मौजूद है और यहाँ पे हम आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं कि आखिर में किन किन वस्तुओं को पैकिंग किया जा रहा है। देखते रहें पूरी खबर, धन्यवाद। दिन रात पैकिंग चल रहा है। आप लोग कहाँ पे आए? बढ़िया सर, क्या अपना पंचायत? क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप? हम जीविका में। जीविका में क्या चीज़ का पैकिंग कर रहे हैं अभी? चावल पैकिंग कर रहा है। कितने पैकिंग कर रहे हैं? 5 किलो। 5 किलो, एक पैकेट में 5 किलो। कितने दिन से कर रहे हैं अभी? 5 दिन। किस चीज़ का पैकिंग कर रहे हैं आप लोग? नमक है। नमक कहाँ है? कहाँ से आए हैं? हम लोग सिंहबाड़ा। जीविका है? जीविका से है। पैकिंग कर रहे हैं आप? हम माचिस, मोमबत्ती से और ORS का। कितने दिन से चल रहा है ये? 5 दिन। 5 दिन से, दिन रात चल रहा है? हाँ, दो टाइम में है, 6 से 2 बजे एक कर रहे हैं और 2 बजे से 8 बजे तक। एक पैकेट में क्या क्या दे रहे हैं? इस पैकेट में 6 मोमबत्ती है, 2 माचिस है, 2 ORS। क्या क्या चीज दिया जा रहा है टोटल? वहाँ दिया जा रहा है चूड़ा, चना, चीनी, मोमबत्ती, माचिस, ORS होल और फिर उस साइड दिया जा रहा है चावल, सोयाबीन, दाल, नमक, हल्दी। एक पैकेट में क्या नाम हुआ आपका? त्रिवेणी देवी। कहाँ से आए हैं? सिंहवाड़ा प्रखंड से। जीविका दीदी हैं जी। देते हो